आपके दरबार में जो सन्यासी बाबा की प्रेरणा लगी है, पंडाल तीन है जिसमें हम बैठे, ये एक नंबर का पंडाल है, ये जो हमारे बाएं हाथ पर है ये दो नंबर का पंडाल है, ये जो हमारे दाहिने हाथ पर है ये तीन नंबर का पंडाल है। तो जहां से जिसको बुलाया जावे उन्हीं को आना है, बदमाशी नहीं करनी है क्योंकि हम फिर बाद में छोड़ेंगे नहीं, छीलेंगे। और आज के दरबार में जो सन्यासी बाबा ने प्रेरणा दी, हमने उनके बारे में लिखा, राम पहली अर्जी दरबार पंडाल के जिसमें हम बैठे इसी पंडाल से दाहिने हाथ से, ये जो लोहे की बनी है इसको डी कहते हैं, दूसरे नंबर की डी में से अमित नाम के भैया बीच में विराजमान है, आप खड़े हो जाएं, आपकी दरबार में अर्जी स्वीकार हो गई है। कोई अमित नाम के भैया तौलिया पीली डाले वो टी शर्ट पहने हुए हैं, सफेद व काले रंग की धब्बे वाली पहने हुए हैं, हाफ टी शर्ट पहने हुए हैं, दूसरी डी में विराजमान है, एक नंबर पंडाल के मध्य में। हां हां आ जाइए, आने दीजिए भैया, कैमरा तुरंत कर दिया करें, चले आइए रेलिंग से दौड़ के। हारे हारे, इसके बाद दूसरी अर्जी, ये सफेद और काली है ना इनकी टी से, हां दूसरी अर्जी एक तो दाहिने हाथ पे यहां अर्चना नाम की बहन जी विराजमान है, आप खड़ी हो जाएं, आपकी दरबार में अर्जी स्वीकार हो गई है, साड़ी पहने सफेद रूमाल लिए हुए, हां जी 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 आइए बहना, जो भी साथ में हो लेकर के आइए। इसके बाद अगली अर्जी, राम गुरुजी सीताराम, तीसरी अर्जी, दो नंबर पंडाल में एक फोटू का पेंटिंग करके हमारी पगड़ी वाली फोटू लेकर के आए हैं, यस आ जाइए बहन जी, आपकी भी दरबार में अर्जी स्वीकार हो गई है, पगड़ी वाली फोटू होगी हमारी और पेंटिंग करके आए हैं, बहन जी होगी पीले रंग का दुपट्टा डाले होगी, किसी को भी दरबार में अपना नाम अपनी समस्या नहीं बतानी है, बालाजी की कृपा में ताकत होगी तो किसी भी कोने से आपको बुला लिया जाएगा। चौथी अर्जी, राम राम पंडाल के बाहर दुकान के पास में सुनील गोस्वामी जी खड़े हुए हैं, आप आ जाएं, आपकी भी दरबार में अर्जी स्वीकार हो गई है, और आपने रास्ते में मित्रों से कहा था कि बाबा अगर इतना जानता है तो वो हमको आज जरूर बुलाएगा, तुम्हारी ठठरी आ जा। मैं तुम्हारे खानदान की ठठरी, ठठरी के बरे न कटा, लूअर के लाए। इसके बाद राम गुरुजी सीताराम, हां बेटे जरा कैमरा ऐसा करना, तीन नंबर पंडाल में किनारे पर विजय नाम के भैया खड़े हुए हैं, किनारे पर खड़े हैं, आप आ जाइए, आपकी दरबार में अर्जी स्वीकार हो गई है। आते जा रहे हैं, प्रवेश कराते जा रहे हैं, हां एंट्री कराते जा रहे हैं। छठवीं आज्ञा, राम गुरुजी सीताराम, बालाजी सीताराम, नमः पार्वती पते हर हर। राम
इसके बाद दरबार के क्रम में हां तीसरी डी में लास्ट की तरफ से छोड़कर एक डी कोने में रेलिंग के पास में सबीता नाम की बहन जी विराजमान है। तीसरी डी में लास्ट में आपकी अर्जी स्वीकार हो गई है, आप आ जाओ। छोटा बच्चा इनके पास में होगा, इनकी साड़ी पीली होगी, पीले रंग के वस्त्र पहने हुई, आप आ जाएं, आपकी अर्जी स्वीकार हो गई है। हल्की पीली साड़ी है इनकी। इसके बाद अगला राम गुरुजी सीताराम बालाजी सीताराम नमः पार्वती पतये हर हर। अच्छा हां लाल टी शर्ट पहने आ जाइए भाई साहब, बड़े होशियार बन रहे आओ, देखते हैं दम कितना बाजी हुए कातल में है। इसके बाद अच्छा पंडाल के बाएं हाथ बाहर में एक बालक पैदल चलकर के आया है, हाथ में झंडा लिए हुए है। अगर तुम्हारे पास हमारी आवाज जा रही है प्यारे बेटा आ जाओ, तुम्हारी भी अर्जी दरबार में स्वीकार हो गई है। नौमी चर्चा राम, दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की सन्यासी बाबा की। हां अगले क्रमानुसार बाएं हाथ में दूसरे नंबर पंडाल में लास्ट में सिर पर जो सफेद तौलिया बांधे हुए भैया खड़े हुए हैं, हाथ बांधे हुए खड़े हैं। हां बेटे जिन्होंने अभी अभी हाथ खोले आजा बेटा, तेरी भी अर्जी, जिन्होंने हाथ अभी अभी जोड़े यहीं बीच से आजा, यहीं बीच से आ, तेरी भी अर्जी स्वीकार हो गई, नचत भय आजा बेटा। चलिए एक किसी को भी भेजा जाए। राम, बाकी लोग मन में राम नाम का जप करो, सन्यासी बाबा कभी भी बुला सकते हैं। आने दीजिए भैया, थैंक यू वेरी मच। यहां बैठे मुंह बालाजी की तरफ करें बहन। कहां नाम है, कहां से आना हुआ है, हैं? माइक लो, यहां से बात ना करो, यहीं माइक डला होगा, लो हमने लिख लिया आपके बारे में। कहां से आना हुआ है? उदयपुरा। कहाँ पड़ता है ये बहन? रायसेन जिला। रायसेन, अरे इतनी लंबी। बोले बागेश्वर बालाजी सरकार की जय, सन्यासी बाबा की जय। तो आपने यहाँ अपना नाम लिखवाया था क्या किसी को? माइक से बोलो जो भी बोलो। नहीं। तो किसी ने पूछा था क्या? नहीं। हमें कैसे पता लगा? इधर बैठो बहन, ताकि आप पर्चा भी पढ़ पाओ। हमारे पति बाहर है, उनको बुला ले। अपने पति यहाँ बुला लो, हम तो कहते तुम तो पूरा खानदान बुला लो, बुला लो, बुला लो, बुला लो, नहीं तो कल के दिन हो जाएगा। बुलाओ, बुलाओ। बीरेन दुबे कहूं भी हो तो आ जाओ मंच पे। हवा जाओ बीरेन दुबे, नहीं तो क्लास लग जाए।
ये कौन है साथ में? माता जी है। अच्छा अच्छा, हमारा स्वभाव है मजाक को बुरा ना माना करो माता जी। आई एम वेरी नॉट सॉरी। हाँ माइक माइक से ही बोलो बहन, कहा है कि पूरी दुनिया देख रही ना, माइक ही से होते इतना। क्या हो गया, ये कौन है, क्या नाम है, क्या हुआ है? पढ़ी लिखी हो आप? पढ़ो। जन्म जात दिक्कत है बेटी को, सुनपन चल उठ बैठ नहीं पाती, झटका लगते हैं रोती है। अर्चना की बेटी वेदिका है, 25% आराम मंत्र चिकित्सा से लग जाएगा, आशीर्वाद है। क्या ये सही है? माइक से बोलो। हाँ। कोई संदेह नहीं। नियम का पालन करें, ये मंत्र है, धाम की पेशी करना है, ये आपकी स्क्रीन पर भी पर्चा है, और हम झाड़ा लगाएंगे धाम पर, अनवरत आप पेशी नियम करो, बालाजी कृपा करेंगे, निश्चित रूप से आराम लगेगा, जाओ आशीर्वाद है। आज से ही लाभ होगा। वहां से भभूति ले लो, झाड़ा हम थोड़ी देर में लगा देंगे, जाओ बालाजी कृपा करेंगे। चलिए उठ जाए, आ जान दो उनको, तुम्हारे पति हम आशीर्वाद दे देवी, तुम अब नीचे पहुंच जाओ, दूसरों को भी भलो हो जाए। दोनों हाथ उठा के बोलो हारे हारे। अच्छा एक मिनट छोड़ो, जरा बच्ची को छोड़ो, सन्यासी बाबा थोड़ी सी कृपा कर दो इस बच्ची के ऊपर। इसके पैरों में और हाथों में जरा चेतना बढ़ाई जाए, और तेज बढ़ाई जाए, और तेज बढ़ाई जाए, दोनों हाथों में बढ़ाई जाए, दोनों हाथों में बढ़ाई जाए। गर्दन की नस पे थोड़ा प्रभाव किया जाए, गर्दन की नस पे, ये अपने मन से हाथ को ऊपर नीचे ताकि थोड़ा कर सके। आप शरीर पर हाथ फेरो इस बच्ची के, अब बस अब पैरों को छोड़ दो सेनापति, पैरों को मत जकड़ना बच्ची के, पैरों को मत जकड़ना, एक बार और फेरो। जाओ इस बच्ची को 10-12% आज से ही लाभ दिखने लगेगा। हमारे बालाजी पर छोड़ो, हम तो कुछ नहीं जानते बहन जी, हम तो मूर्ख आदमी, उठा लो वहां बैठा रहो, भभूति की मालिश करो, हम तो मूर्ख, सब कृपा तो बालाजी करते।